धन्यवाद भाई। को लेकर और क्या कहते हैं इस फिल्म के बारे में? सबसे पहले मैं लालटेन का मुहूर्त है आज, और इस अवसर पे मेरे प्रोड्यूसर डॉक्टर राजेश कुमार जी, कुमार राहुल जी, सुपर म्यूजिक और सीएस फिल्म्स डायरेक्टर धीरू यादव जी, स्टोरी राइटर कुमार राहुल जी और अखलाक खान जी, म्यूजिक डायरेक्टर धनंजय मिश्रा जी, और जितने भी लोग इसमें हैं, ये आदित्य सरदार, ये छोटा बच्चा है भी इस फिल्म में, और शिशुपाल बिहारी, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस मुहूर्त में आए और इसको सुशोभित किया। और इसके साथ साथ मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा अपने ऑडियंस को और भोजपुरी के जो दर्शक हैं, जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, और जो आज भोजपुरी को आशीर्वाद देकर के, अपना प्यार देकर के, आज भोजपुरी को उस लेवल पर लेकर के चले गए कि जहाँ पे क्रिएटिव फिल्म भी करने की हिम्मत हो रही है हम लोगों को, और उसी क्रिएटिव फिल्म की जो कोशिश की जा रही है, और उसी में से एक लालटेन। तो किस तरह किरदार होगा और काफी एक्शन लग रहा है इस फिल्म में, तो क्या कहेंगे? किरदार मैं इसमें लीड कर रहा हूँ, और जाहिर सी बात है कि चूंकि लालटेन तो एक रियलिस्टिक मूवी है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और इसमें लव का भी बहुत सारा कुछ दिखाया गया है। और हाँ, जैसे जो आपका जो कहना है कि काफी धूमधड़ाका है, तो वो भी है, और फुल एंटरटेनिंग, और एक है काल्पनिक बट रियलिस्टिक लाइफ के आधारित। आप बताओ क्या करने लगे इस फिल्म के बारे में, क्या किरदार निभा रहे, कुछ मालूम है किरदार के बारे में? नहीं, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अच्छा, सर ये हमारे बड़े भैया, आज बहुत खुशी की बात है कि लालटेन फिल्म में हमको बड़े भैया के द्वारा चांस मिला इस मूवी में करने के लिए, और इसमें तो शायद देखिए सेकेंड लीड का प्रयास है, रोल हम एक अच्छी मूवी है, और ये क्या बोलता है, रियलिस्टिक और लव सर। जिसको आपने कुछ धमकी उनकी दिया था जान से मारने की, क्या मामला था जरा बताइए? मैं क्यों जान से मारूंगा, वो मेरा भाई है, और वो तो बोलता है कि जैसे मैं संतोष रेणु को जानता नहीं हूँ, ऑल द बेस्ट मेरे भाई, तुम इतने तुम आगे चले जाओ कि तुम किसी को मत पहचानो, तुम जाकर के अंतरिक्ष में तुम निवास करो। तो सबसे पहले मैं उसको विश करना चाहूंगा कि आपने ये सोचा और आपने ये कहा, मामला जो है मामला कुछ नहीं था, एक मोहब्बत थी, एक प्यार थी। अगर हमारे फादर अगर हमको डांटते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमें मारना चाहते हैं और वो हमसे नफरत करते हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रमोद से मैं मोहब्बत करता हूँ, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, उसी में एक डांट हुई थी, इसको कोई ऐसा नहीं, कुछ लेने की बात नहीं थी। और अगर वो लिया, वो कहता है कि मैं संतोष रेणु को नहीं जानता हूँ, तो अच्छी बात है, तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओ, और मैं छोटा ही रहना चाहता हूँ। छोटा रहने में जो प्यार मिलता है ना, वो बड़ा अपन करके नहीं मिलता। मोहम्मद प्रेमी का ये भी आरोप है, आप खेसारी लाल का बहुत बड़ा भक्त है, जिसके कारण उसको आपने इस तरह का मतलब खेसारी लाल को लेकर मतलब उसको पावर में आपने उसको जान से मारने की धमकी दी, इस तरह का आरोप है। आपका कहना सही है, मैं खेसारी लाल जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। जहाँ तक इस मैटर पे है, ये रियल चीज़ है कि मैं खेसारी लाल यादव जी का भक्त हूँ, और मैं सिर्फ उन्हीं का भक्त नहीं हूँ, मैं उन सभी लोगों का भक्त हूँ जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आज संतोष रेणु यादव भी एक फिल्म कर रहा है, एक हीरो के रूप में एक लॉन्च हो रहा है। तो ये जो भोजपुरी जो ट्रेडिशन है, ये संतोष रेणु यादव इसका ईजाद नहीं किया, ये गायत्री ठाकुर जी, भिखारी ठाकुर जी की देन है, और उसके बाद तब जा करके भरत शर्मा जी संभाले, देन आफ्टर मनोज तिवारी जी संभाले, पवन सिंह जी, खेसारी लाल जी, निरहुआ जी, रवि किशन जी, तब तो आज संतोष रेणु जी को मिला है। तो मैं कहता हूँ कि यदि हम अपने सीनियर्स के ऊपर अगर किसी तरह की कोई बात होती है और उस पर यदि हम नहीं जागते हैं, तो देन आफ्टर हमारे भी जूनियर क्या करेंगे, हमारे ऊपर भी कुछ अत्याचार होगा, तो फिर वो भी कुछ नहीं बोलेंगे। सही बात है। तो यही बात है, और कुछ नहीं बात है। और तो बात सुनील सिंह के बारे में क्या कहेंगे, सुधीर सिंह का, सुधीर सिंह के बारे में मैं क्या बोलूँ, वो तो गजब का करेक्टर है, उसको मैं कहता हूँ ना, उसको रहना नहीं चाहिए, बिहार से उसको बाहर कर देना चाहिए।
सुधीर सिंह को बिहार से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि जो इंसान एक कलाकार की फीलिंग्स को नहीं समझे वो इंसान है ही नहीं। क्योंकि एक कलाकार वो होता है जो हर दिन आपके जीवन की खुशियों के बारे में सोचता है, या आपका बर्थडे पार्टी हो, आपका किसी भी तरह शादी की चीज़ हो, तो कहीं ना कहीं सोचता है कि हाँ खुशियाँ होंगी आपके यहाँ, तो वहाँ हम आपके यहाँ नाचे गाएंगे। और अगर कलाकार की दर्द को ना समझे तो फिर कोई है ही नहीं, क्योंकि कलाकार से पूरी इंडस्ट्री है, कलाकार से पूरी धरती पड़ी हुई है, और कलाकार विहीन हो जाने पर धरती जो है ना वो वीरान पड़ जाएगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू। विषय है और काफी धमाकेदार लग रही है पोस्टर देख के, और विषय जो है कुछ लग रहा है कि काफी जज्बाती होगा, लालटेन है या क्या विषय बताइए सर। देखिए अभी लालटेन जो कि टाइटल से ही आपको लग रहा होगा कि काफ़ी देसी सब्जेक्ट है, और लालटेन एक ऐसा वर्ड है, हमको लग रहा है भोजपुरी ऑडियंस जितने भी है सबके लिए कॉमन वर्ड है, कोई नया वर्ड नहीं है। तो अभी समझिए हर घर की कहानी होगी लालटेन, और आपके भी बचपन से जुड़ा होगा कहीं ना कहीं लालटेन की कहानी, जुड़ा होगा कि नहीं। बस वही कहानी। लीड एक्टर है उसके बताइए कि क्या करते हैं, कितने उत्साहित उनको लेकर। बहुत बहुत संतोष भाई, संतोष रेणु यादव बहुत अच्छे सिंगर भी है और बहुत अच्छे ये लेखक भी है, इन्होंने कहानी लिखा है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने सिर्फ किया है। हाँ मतलब तो बहुत अच्छा लगा, मैं पहले टाइटल भी नहीं कहा, इन्होंने मुझे सबसे पहले टाइटल बोला, मैं बोला फिल्म करूंगा। तो शूटिंग कब शुरू होगी और कब तक पर्दे पाने की उम्मीद है? देखिए शूटिंग हम जनवरी में सेकेंड वीक में जाएंगे, पर्दे पे आने का अभी नहीं बोल सकते, अभी शूटिंग तो करने दीजिए, उसके बाद तो मुलाकात होती रहेगी, अभी तो पहली मुलाकात है, इस सिलसिले में मिलते रहेंगे। थैंक यू, इनके लिए हमारी ऑल द बेस्ट गुड विशेस है, और डायरेक्टर भाई धीरू यादव ही इज वेरी टैलेंटेड और डेसिंग। आपकी जो फिल्म के डायरेक्टर हैं वही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं संजीव मिश्रा जी। जी सर, आप बता दें हैं इन्होंने पहले फिल्म बनाई थी, अब आप इनके साथ फिल्म बना रहे, कैसे बतौर डायरेक्टर ये कैसे हैं? बद्रीनाथ में मैं था, लालटेन में छोटा भाई है और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और मैंने तो बहुत सीखा है उनसे, उनके साथ काम किया है। धीरू भाई इज वेरी टैलेंटेड और इस फिल्म इंडस्ट्रीज में गिने चुने डायरेक्टरों में है। संजीव जी आपकी भी फिल्में आ रही जी हैं। जी जी, बद्रीनाथ का स्टेटस जानना चाहता हूँ जी, क्या बद्रीनाथ रिलीज से कुछ डिले हुई है? नहीं, डिले रिलीज से डिले नहीं हुई है, ये प्रोड्यूसर का डिसीजन है। और डिले क्या होता है, फिल्म बन के तैयार है और इन्होंने समय सोचा हुआ है जब रिलीज करना है इनको, टीजर आ चुका है, ट्रेलर हम लोग 7 दिसंबर को ला रहे हैं और उसके बाद गाने आएंगे फिल्म के, और जनवरी में हम लोग बसंत पंचमी के बाद रिलीज करेंगे। और भी आपकी एक फिल्म आने वाली जी, दो फिल्में आने वाली जी 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 जी, जरा उसके बारे में। एक फिल्म और है जो बन के तैयार है और वो फिल्म हम लोग फरवरी में रिलीज करेंगे, क्योंकि जनवरी में हमने ऑलरेडी बद्रीनाथ को रखा है, तो फरवरी में रैम्बो राजा आएगी, और आगे की जो फिल्में हैं मैं बताऊंगा उसके बारे में। ये दोनों बन के कम्प्लीट है, बाकी अंडर प्रोडक्शन है अभी। वैसे इन फिल्मों में क्या नाम जाएगा, संजीव मिश्रा जाएगा, पावर स्टार जाएगा? ये स्क्रीन नेम रखा है और ये भी मेरे डायरेक्टर ने दिया था मुझे 3 साल पहले, तो उस नाम को मैं हमेशा कैरी करता हूँ, हर पोस्टर पे कैरी करता हूँ, अपने साथ कैरी करता हूँ। बाकी वैसे आपकी बॉडी पे, आपके फिटनेस पे असर साफ दिखाई दे रहा है इस नाम का, जब से मैं मिला था पिछली बार से, और जी, आप काफी ज्यादा आपकी फिटनेस में इम्प्रूवमेंट है, क्या करते हैं ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को। ऐसा क्या सब्जेक्ट है जिसके लिए इतनी फिटनेस की जरूरत पड़ती है? प्रोड्यूसर साहब बगल में है, अभी नोचने लग जाएंगे अभी नहीं बताएंगे, दिसंबर में 15 से 20 दिसंबर के बीच में हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, टीम कंफर्म्ड हो चुकी है। सही में आपके अंदर पावर है? पावर तो वक्त आने पे बताया जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। 5 बजे तक तो शायद 4 बजे तक हम लोग के साथ में थे, और हम लोग गाने की शूटिंग किए थे लव मैरिज फिल्म का, जिसमें सुबह 7 बजे तक गाने की शूटिंग हुआ, वहाँ से फिर शूटिंग पैकअप करके घर पे आए, दूसरा घंटा सोए, फिर छोटा भाई संतोष रेणु यादव का मैसेज आया था, फ़ोन आया था कि भैया आज मुहूर्त है, तो मैं बोला कि चलो भाई को आशीर्वाद देने मैं पहुँचूँ, क्योंकि अगर कोई भी नया सिंगर और कलाकार अगर मुंबई की धरती पर आता है तो शायद मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, ना मेरी कोई औकात है, लेकिन आशीर्वाद देने जरूर पहुंचता हूं और कोशिश करता हूं कि जो भी मेरे से हो सके आशीर्वाद दिल से दूं। और ये लालटेन, लालटेन बोले तो संतोष रेणु यादव बिहार के तौर पर अगर देखा जाए तो हम इनके राज्य तो बहुत बहुत बधाई बा लालटेन के पूरा टीम के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर और तमाम आप मीडिया के भी सब लोग के बधाई बा और अभिनंदन बा। आपको जब उन्होंने कहा होगा कि भैया लालटेन फिल्म है आना, तो आपने नहीं पूछा कि आपने आरजेडी ज्वाइन कर लिया? मैं जानता हूं कि ये आरजेडी के प्रशंसक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं व्यक्तिगत मैं भी आरजेडी का प्रशंसक हूं। अगर भोजपुरिया काका को बिहार में अगर किसी भी जगह पे और किसी भी टाइम अगर ज़रूरतमंद चीज़ पे अगर मैंने किसी नेताओं को याद किया है तो मुझे राजद के लोगों ने ही मुझे मदद किया है, मुझे बाकी लोगों ने मदद नहीं किया है। और तेज प्रताप यादव व्यक्तिगत मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं,
और छोटू छलिया भाई जो कि भोजपुरी के बहुत चहेता स्टार कलाकार, जिसको मैं अपने सगे भाई से ज़्यादा खून से बढ़कर मानता हूँ। उसके बाद ही इस धरती के कोई भी गायक को मैं प्यार करता हूँ। वैसे प्यार तो मैं सबको करता हूँ, सबको एक बराबर एक नज़रिए से मेरे नज़र में स्टार है, भले वो नया गायक हो या पुराना गायक हो, मैं सबको प्यार देता हूँ और एक ही नज़र में देखता हूँ। लेकिन अगर उसमें से बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, जहाँ कुछ नहीं वहाँ बहुत कुछ मगर है, तो छोटू छलिया। तो उन्हीं की बदौलत मैं राजद परिवार में घुसा और राजद परिवार ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है। काका वैसे तो हम आपके आसपास बहुत सारे सिंगर्स हैं, हम चाहते हैं कुछ गा के सुनाया जाए। मैं गायक तो हूँ नहीं, लेकिन मैं क्या गाऊंगा। लेकिन हाँ यह है कि गायकों के बीच में रहकर आदमी गुनगुनाने का आदत है, लेकिन गायक नहीं है और गायक बनना भी नहीं है मुझे। भोजपुरिया काका नाम अगर मुझे मिला तो ये गायकों का ही देन है, और गायक लोगों ने इतना प्यार दिया है कि आज कलाकारों का काका कहलाता हूँ। जबकि आज एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आज फेसबुक पर मैंने देखा कि दिल्ली में 1-2 तारीख को प्रोग्राम, उसमें मेरा बुलावा है, उसमें मैक्सिमम गायक लोग जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरे अगेंस्ट में फेसबुक पर डाला है कि आप भोजपुरिया काका हैं, समाज को सेवा करते हैं, लेकिन अश्लील मुक्त सॉरी अश्लीलता के खिलाफ आप क्यों नहीं जाते हैं, और अश्लील जो गायक गाना गा रहे हैं उनके आप उन लोगों को बढ़ावा देते हैं। तमाम लोगों का नाम उसमें लिखा था। तो मेरा उन लोग से यही कहना था कि मैं कभी किसी को नहीं बोला हूँ कि अश्लील आप गाइए। हमेशा मैं अश्लील का विरोध किया हूँ और आज भी करता हूँ, लेकिन लोगों ने लांछन लगाया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। मैं हमेशा कलाकारों को चिल्लाया हूँ, डांटा हूँ कि भाई गलत मत गाओ, भले उनके साथ रहता हूँ लेकिन मैं विरोध करता हूँ। जिसको पता होगा, जिस गायकों के करीब मैं रहा हूँ उनको मैं हमेशा विरोध किया हूँ। तो आज बड़ा दुख भी हुआ क्या कि आज तक मुझे लोग एक हॉट सिंगर के रूप में जाना, तो जो भी है हॉट गाना पब्लिश हो गया, ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई, उसको ज़्यादा व्यू मिल गई। लेकिन मैंने 2012 में एक सॉन्ग गाया था एक बेटी के ऊपर, गर्भ वाली जो मैटर जो गर्भपात कराया जाता है, उस मैटर मैंने गाना गाया था। कैसे तू हो कहलू हमारा, कैसे तू हो कहलू हमारा, मारे के विचार सुन माही हो, कैसे बुझलु बेटी हो लभार सुन माई हो, कैसे बुझलु बेटी हो लभार। जन्म के पहले माई कौन देनी दुखबा, जेकरा सजा में जागल खून मा के भूखबा। कैसे कोई माई ले ली बेटी के आधार सुन माई हो, कैसे बुझलू बेटी हो लभा। इसका अगला अंतरा है, बेटा के जन्म ते माई सनवा देखावेलू, हमारा के बेरी काहे सिरावा झुकावेलू। बेटा के जन्म ते माई सनवा देखावेलू, हमारा के बेरी काहे सिरावा झुकावेलू। किया हम लईनी माई, किया हम लईनी माई, दुखवा पार सुन माई हो, कैसे बुझलु बेटी हो लभार सुन माई हो, कैसे बुझलु बेटी हो लभार। लास्ट अंतर कहना चाहूंगा, बेटी रबड़ी मायावती देशवा चलावेली, तेरे सासरु जिनी लता दुनिया हिलावेली। बेटी रबड़ी मायावती देशवा चलावेली, तेरे सासरु जिनी लता दुनिया हिलावेली। बेटियारा है इंदिरा जिनका, बेटियारा है इंदिरा जिनका, पूज संसार सुन माई हो, कैसे बुझलु बेटी हो लभार। तुम भी छपट दो थोड़ा, जहाँ तक मेरे हिट गाने का जो आप जो कह रहे, तो मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ कि मैं हॉट सिंगर के रूप में जाना जाता था। अभी अभी मैं कुछ देही अलग लाया लू चाप ये जीजा,
लोटे जैसे छतिया पसाप ये जीजा आज दिन ही मैं कुंडी लगा के मजा मार लना तकिया लगा के आज नीचे ही चटाई बिछा के मजा मार लना तकिया लगा के आज नीचे ही चटाई बिछा के। इसके बाद मेरा हिट हुआ था 2014 में धीरे धीरे डाला न बहुते दुखाता धीरे धीरे डाला हो धीरे धीरे डाला न बहुते दुखाता जाए दाए जान इत जगह पजाता जाए दाए जान इत जगह पजाता। प्रणाम, मैं हूं आपका जितेंद्र झा और आज हम लोग फिल्म लालटेन के मुहूर्त पे आए हैं। मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि फिल्म सुपर डुपर हिट हो और हमारे हीरो का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, एक अच्छा मुकाम मिले और जिस तरह भोजपुरी में लोगों ने नाम कमाया है, पवन जी हो, खेसारी हो, दिनेश जी हो, तमाम हो, उनका मुकाम भी उस तरह उस बच्चे को मिले, ये बधाई है। हमारे बीच बजरंगी भाई हैं, हमारे बड़े भाई स्वरूप में हैं, हमारे बीच हरिओम भारद्वाज जी हैं जो हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं। नमस्कार। और बहुत जल्द दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक में भोजपुरी और अवधी को लेकर इन्होंने एक प्रण लिया है और ईश्वर की दया से ये उत्तर प्रदेश के बिल्डरों में गिने जाते हैं। मैं कुछ हरिओम भाई भोजपुरी अवधी मिक्स एक भोजपुरी फिल्म जो है बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और प्रयास है कि हम लोग बस बहुत जल्द प्रेम मनोरथ फिल्म प्रोडक्शन हाउस से चालू करेंगे जो कि हम लोगों का अपना प्रोडक्शन हाउस है, अच्छे मार्केट के बड़े स्टार कलाकारों से लेकर के और हमारे बीच में पल बढ़ रहे अच्छे छोटे बड़े सभी कलाकारों को समान सम्मान दिया जाएगा और यथानुचित उसको आप सभी लोग सम्मान दें, प्यार दें। हम लोग आपसे आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं, ढेर सारी शुभकामनाओं की अपेक्षा रखते हैं और आज इस फिल्म के मुहूर्त में बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे भीड़, यहाँ पे लोगों के उत्साह को देख करके, आर्टिस्टों के प्रेम को देख करके और मीडिया वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां इस फिल्म के मुहूर्त पे और बहुत अच्छा लोगों को लगे, बहुत नाम करें भोजपुरी इंडस्ट्री को, एक पहचान दे। और जितेंद्र जी अपने शब्दों को। और हमारे जो नेक्स्ट प्रोड्यूसर हमारे बीच हैं बजरंगी भाई और उत्तर प्रदेश में सर के पास चार पाँच अच्छे अच्छे पेट्रोल पंप है, एक अच्छे बिल्डर के रूप में, एक बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं और आज ये मुंबई फर्स्ट टाइम कल आए हैं तो हमारे श्रोताओं के लिए कुछ प्रणाम। मुंबई फर्स्ट टाइम नहीं आया हूँ एक्चुअली, इस इंडस्ट्री से और ऐसे इस तरीके के प्रोग्राम में मैं पहली बार मुखातिब हुआ हूँ और हमारे अनुज हैं ये जितेंद्र जी, इन्होंने एक चूँकि हम मैं भोजपुरी माटी से जुड़ा हुआ हूँ और कहीं ना कहीं हर आदमी को एक इस लाइफ में आने की इच्छा होती है तो हम लोगों ने भी इच्छा जताई थी, परिस्थितियाँ थी नहीं हो पा रही थी तो कलाकार तो नहीं है, जो भी है उसी के माध्यम से मैं इस इंडस्ट्री में आ पाऊँ और बहुत बड़ा सपना था भाई ने बताया, जो भी होगा इस इंडस्ट्री के लिए तन मन धन से वो किया जाएगा और अभी इन्होंने बताया कि हाँ दिसंबर महीने में एक फिल्म को लेकर के हम लोग दिसंबर या जनवरी में बहुत जल्द लॉन्च करेंगे और आप सभी लोग वहाँ पे होंगे। बहुत खुशी की बात है कि आज मुलाकात भी हुई आप लोगों से भी तो ऐसे एक मौके पे जहाँ पर एक फिल्म की लॉन्चिंग है और लालटेन मुहूर्त है लालटेन और मैं भगवान से और ईश्वर से यही कामना करूँगा कि ये फिल्म एक सुपर डुपर हिट साबित हो और इसके जितने भी स्टार कलाकार हैं वो लोग नई ऊंचाइयों को छुए, इस फिल्म ये फिल्म ही उन लोगों का इस भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म होने का एक माध्यम बने और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि जो मेरा फिल्म है उसमें हमारे प्यारो सिर्फ संजय पटियाला जी कर रहे हैं। संजय जी वेलकम और पूरा
इनका जो है बीजी हैं संजय जी, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, बहुत जल्द हमारे बजरंगी जी, हमारे हरिओम भारद्वाज जी, हम लोगों का एक ही प्रोडक्शन हाउस रहेगा, हम लोग साथ में बजरंगी भाईजान बजरंगी भाईजान नहीं, एक नया पहचान बने और पहचान। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को भी जो है एक अलग मुकाम मिले, उस फिल्म के नाम से पूरा देश जाना जाए, और देश में वो जाना जाए उस शब्द से, उस नाम से, और हम सभी लोग मिल करके अपने खुद के प्रोडक्शन से एक पिक्चर बनाएंगे। आप सभी लोगों से ढेर सारे प्यार की अपेक्षा है और इसी तरीके से हार्दिक शुभकामनाएं, और इस जो जिस फिल्म के हम लोग लॉन्चिंग क्या बोलते मुहूर्त पे आए हुए हैं उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आगे भी जो भी चीज़ें, जो भी प्रोग्राम इस चीज़ें ऐसी हों, मैं चाहूँगा कि हाँ भाई हमें उससे अवगत कराएं और साथ में थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में जानने का, सुनने का और आगे बढ़ने का और भी हौसला मिलेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।